ये प्रोग्राम बाबू साउंड रामनगर की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। अब भी तो अच्छा लग रहा है, आप सुकून से सुन रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा दो। शीशा टूटे गुल मच जाए, दोस्त दसे तो कौन बचाए, टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज ना आए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे अपनों से तो खैर ही अच्छे, घर का भेदी लंका ढाए, नौजवान भाइयों को एक मेरा मशवरा है इन चार मिसरों में, और शायद आप लोग इस पे वाजे हो। मेरे मोहसिन हो तो मुझको ये सजा मत देना, आज के दौर में जीने की दुआ, आज के दौर में जीने की दुआ मत देना। अब वो पाकीज़ा ख्यालात नहीं लोगों के, दोस्ती करना मगर घर का पता, लीजिए मतला नजर कर रहा हूं, आपकी हुकुम की तामील करते हुए मतला पढ़ रहा हूं। दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी की तो क्या
जरा पूछिए दोस्ती का भरोसा नहीं, आप मुझसे भी पर्दा करें, आप मुझसे भी पर्दा करें, अब किसी का भरोसा नहीं। पहला शेर नजर कर रहा हूं, लोग इसको गजल कहते हैं लेकिन मैं नहीं कहता, मेरी नजर में ये एक नसीहत है और एक इबरत है। इंसान हमेशा रोशनी के पीछे जाता है, लेकिन एक शायर कहते हैं कि चांद ऊंचा है बहुत, चांद का सौदा ना करो। चांद ऊंचा है बहुत, चांद का सौदा ना करो, दूर से देख लो छूने की तमन्ना ना करो। इसलिए शेर नजर कर रहा हूं। साबिर भाई और तमाम लोग, कमेटी जितनी भी है, सभी तवज्जो दीजिए। क्या जरूरी है हर रात में चांद तुमको मिले जाने जा। क्या जरूरी है हर रात में चांद तुमको मिले जाने जा। जुगनुओं से भी निस्बत रखो, रखो ये चांदनी का भरोसा बोलूं, हर इंसान ये चाहता है अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो 1000 हो जाएं, 1000 हैं तो लाख हो जाएं, लाख हैं तो करोड़ हो जाएं, ये कार ले लूं, बंगला खरीद लूं, ये बना लूं, वो बना लूं। किस लिए? ये हमारी जिंदगी सुकून से गुजरे। लेकिन अल्लाह कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। इसमें सुकून नहीं है, सुकून अल्लाह के जिक्र में है। इसलिए शेर नजर कर रहा हूं। आप यकीन करें, मेरे वालिद को इंतकाल किए हुए अभी 2 महीने हुए हैं, होने वाले हैं, और मैं पिछले 1 महीने से अपने घर से बाहर हूं, इस सिचुएशन में भी। किस लिए? ताकि मेरा घर, मैं सुकून से रहूं। पूरा मौजू मैंने शेर का बना लिया है, समझना आपकी जिम्मेदारी है। भाई ने नवाजा है, जुबैर भाई ने, शुक्रिया। शेर नजर कर रहा हूं। रात दिन, ये दोनों शेर बड़े जबरदस्त हैं। रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने।
मुस्तकिल कोशिशें जिंदगी कैसे बेहतर बने, वो कितने दुख जिंदगी के लिए, कितने दुख जिंदगी के लिए, और इसी का भरोसा जाए दम का क्या भरोसा है, जाने कब निकल जाए इस गजल का हासिल है, गजल शेर है। बड़ी ही शान से रहते थे लोग जिसमें कभी, उसी मकान में अब मकड़ियों का जाला है। बहुत गुरूर है तुझको तो अपनी दौलत पर, इसी गुरूर ने कितनों को मार डाला है। लेकिन बहुत डूबे मगर गहरे समंदर से निकल आए हम आखिर सब्र की हद से बहुत बाहर निकल आए जहां पर खुद नुमाई और तकब्बुर की गजालत थी, खुदा का शुक्र उस रस्ते से हम बचकर निकल आए। इसलिए शेर नजर कर रहा हूं, कलिए मेरे भी आंगन में थी जिस पे तुझको गुरूर आज है, तुझको गुरूर आज है, देख लिए शायद तुझे छोड़ दे, कलिए शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा ये शेर नौजवान भाइयों की नजर कर रहा हूं, मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि वादी वादी गुलशन गुलशन मैं भी सोचूं तू भी सोच। बाबू बैठ जाओ। वादी वादी गुलशन गुलशन मैं भी सोचूं तू भी सोच सोच आइए मेरे बाहों में आ जाइए, कल ये शायद रहे हिंदुस्तान के नहीं बल्कि वर्ल्ड फेमस शायर बड़े भाई नदीम शाद साहब अपने मख्ते में अर्ज करते हैं। देखिए, हुजूर ने फरमाया है कि या तो दोस्त ना बनाओ, या अगर बनाओ तो ऐसा हो कि यहां भी साथ आए और वहां भी, वरना मौलाए कायनात फरमाते हैं कि भाई सोना और दोस्त हीरा, अगर एक बार दरार आ जाए तो जिंदगी भर सही नहीं होता। इसलिए दोस्त ऐसे बनो कि हीरे की तरह, वरना आजकल तो ये हाल है। पत्थरों से कहो
सितारों से कहो राज दिल, ये न देंगे दगा आपको ऐ नदी माज के दौर में गौर में, ऐ नदी माज के दौर में आदमी का भरोसा सुकून बनाए और ये नजम सुने के मेरे महबूब मुझे शौक से पत्थर कह लो, मैं तो पत्थर को भी भगवान कहा करता हूँ। बेरुखी होती है महबूब से जो पहलो पहल, मैं उसे प्यार का उनवान कहा करता हूँ। वो भी पत्थर है कि फुटपाथ की तामीर में जो टुकड़े टुकड़े अगर होते हैं तो काम आते हैं। उन्हीं फुटपाथ से सोते हैं लिपटकर मजदूर, दो घड़ी के लिए आराम जहां पाते हैं। वो भी पत्थर है के आजर के कलम से जिसने किसी माशूक की तस्वीर बनाई होगी। वो भी पत्थर है के शिव बन के जिन्होंने कितने पूजने वालों की तकदीर बनाई होगी। वो भी पत्थर है पड़ी जिससे बिनाई काबा, वो भी पत्थर है जिसे काबे का झूमर कहिए। संगे अस्वद को तो महबूब खुदा ने चूमा, क्यों ना उसको मेरी तकदीर से बढ़कर कहिए। संगे अस्वद तो बड़ी चीज है उसकी क्या बात, काश मैं भी किसी फुटपाथ का पत्थर होता। किसी मजदूर को आराम तो मैं दे सकता, आज के दौर के इंसान से बेहतर होता। इश्क की आग है पत्थर में भी पिन्हा सैफी, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे दिलबर कहना। मेरे महबूब तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम, आज के दिन से हमेशा मुझे पत्थर कहना। पत्थरों से कहो राज़े दिल, ये न देंगे दगा आपको ऐ नदी माज के दौर में, ऐ नदी माज के दौर में आदमी का भरोसा नहीं। मुझसे भी पर्दा करे अब किसी का भरोसा नहीं, ऐ नदी माज के दौर में आदमी।